हेलो गाइस, वेलकम टू डूअर क्लासेस। डूअर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं ओम प्रकाश, आज आपके लिए द हिंदू एडिटोरियल लेके आया हूँ। आज का डे है सैटरडे, दिसंबर 1, 2018। आइए फ्रेंड्स, देखते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है द डेथ डिबेट, यानी कि मृत्यु पर डिबेट, यानी चर्चा या परिचर्चा। ठीक है, मृत्यु की चर्चा या परिचर्चा, ये टॉपिक है, यानी हेडिंग है। इसका मीनिंग मैंने बताया, और ये जो टॉपिक लिखा गया है, ऑन जस्टिस जोसेफ्स व्यूज ऑन कैपिटल पनिशमेंट। ठीक है, जस्टिस जोसेफ जी का नाम तो पहले से ही फेमस रहा है। इनकी सुप्रीम कोर्ट पर नियुक्ति को लेकर के, जो मतलब सीनियरिटी को लेकर के प्रॉब्लम था, है ना, तो वो भी आपने पहले के एडिटोरियल्स में, जो कंटिन्यूली एडिटोरियल्स मेरे 2, 3, 4 महीनों से देख रहे हैं, तो ऑब्वियसली उनको पता होगा। जस्टिस जोसेफ जी पर हमने 3, 4 आर्टिकल पढ़े हैं। ठीक है ना, तो जस्टिस जोसेफ जी का के जो विचार है, किस मुद्दे पर, ऑन कैपिटल पनिशमेंट, मृत्यु दंड। कैपिटल पनिशमेंट मतलब होता है मृत्यु दंड। ठीक है, मृत्यु दंड के मुद्दे पर जो जस्टिस जोसेफ जी के विचार हैं, उनको लेकर के चर्चा परिचर्चा है, जिसको इन्होंने कहा है डेथ डिबेट, मृत्यु की चर्चा। ठीक है, तो एक लाइन आप पढ़ेंगे, फिर मैं बताता हूँ इस टॉपिक में किस मुद्दे पर बात की गई है। जस्टिस जोसेफ्स व्यूज, जो जस्टिस जोसेफ जी के व्यूज यानी विचार हैं, ऑन एबॉलिशिंग कैपिटल पनिशमेंट, किस मुद्दे पर, ऑन एबोलिशिंग माने समाप्त करने पर। कैपिटल पनिशमेंट मतलब होता है मृत्यु दंड, मृत्यु दंड को समाप्त करने को लेकर रिक्वायर, उनको आवश्यकता है सीरियस कंसिडरेशन, गंभीरता के साथ कंसीडर करने की, विचार करने की। ठीक है, जस्टिस जोसेफ जी के जो पर्टिकुलर विचार हैं, किस मुद्दे को लेकर, कि मृत्यु दंड को समाप्त कर दिया जाए, ऐसे जस्टिस जोसेफ जी के जो पर्टिकुलर विचार हैं, उनको आवश्यकता है कि गंभीरता के साथ उन पर सोचा जाए, समझा जाए, कंसिडर किया जाए उनको। ठीक है ना, तो जस्टिस जोसेफ जी, इस लाइन से आपको पता लगता है कि वो चाहते हैं कि कैपिटल पनिशमेंट, मृत्यु दंड को समाप्त कर दिया जाए। ठीक है ना, और इनके पर्टिकुलर ये विचार सीरियस कंसिडरेशन के, मतलब कहने का योग्य है, एबल है, क्योंकि इन पर जो है गंभीरता से विचार करना पड़ेगा। तो ये जो टॉपिक इन्होंने पर्टिकुलर लिखा है, तो इस पर जस्टिस जोसेफ जी का जो कैपिटल पनिशमेंट के अगेंस्ट, मतलब कहने का व्यू है, इसी पर लिखा गया है। और व्यूज ऐसा इन्होंने क्यों कहा है, क्योंकि कुछ रीजंस ऐसे, लॉ कमीशन की एक रिपोर्ट आई जिसमें कि उन्होंने साफ साफ कहा कि जो कैपिटल पनिशमेंट अवॉर्ड किया जाता है, किसी को भी मृत्युदंड दिया जाता है, उसमें कहीं ना कहीं आर्बिट्रेरीनेस दिखाई देती है, मतलब कहने का मनमाना तरीका। ठीक है, कुछ ऐसा हो सकता है जिसको मैक्सिमम, मतलब कहने का पनिशमेंट दिया जाता है, मान लो से 20 साल की, 25 साल की सजा दी जा सकती है, अब उसको क्या कैपिटल पनिशमेंट दे दिया, मृत्युदंड दे दिया। मृत्युदंड सबसे क्रूर होता है, मतलब सबसे, मतलब मैक्सिमम पनिशमेंट जो आप दे सकते हो। ठीक है ना, तो आपको मतलब वो दे दिया। अब कहीं कहीं क्या होता है कि मृत्युदंड दी जाने की आवश्यकता थी, लेकिन उसको क्या है, अब वो कोई फेवर मिल गया जजों को, तो उन्होंने अपने फेवर में क्या किया कि उसको, उसकी सजा को मृत्युदंड से हटा करके उम्र कैद में मतलब बदल दिया, कुछ इस तरह का। तो कहीं ना कहीं आर्बिट्रेरीनेस दिखाई देती है, तो ये लॉ कमीशन की रिपोर्ट में सामने आया है। तो ये रीजन बनता है, और कि जस्टिस जोसेफ जी के जो विचार है पर्टिकुलर कैपिटल पनिशमेंट के अगेंस्ट है। लेकिन अब कई जजों का यह भी मानना है कि भाई, अगर हम कैपिटल पनिशमेंट यानी मृत्युदंड को समाप्त कर देते हैं, तो कई ऐसे केसेस आते हैं जहां पर बहुत ही हीनस क्राइम्स होता है, जिसमें रेप केस वगैरह इस तरह के केसेस इन्वॉल्व होते हैं, मर्डर केस भी हो सकता है ना। तो ऐसे केसेस में यहाँ पर क्या है, हमें पब्लिक को हिंट देना पड़ता है, संकेत देना पड़ता है एक, कि मतलब ऐसे हीनस क्राइम्स की सज़ा क्या होती है। तो वहाँ पर उम्र कैद तो एक छोटा मोटा मतलब कहने का समझा जाता है, वहाँ पर फिर सीधा कैपिटल पनिशमेंट अवॉर्ड करना पड़ता है, मृत्युदंड देना पड़ता है, ताकि समाज को संकेत जाए कि ऐसे क्रूर अपराध की जो सज़ा होगी वो भी क्रूरतापूर्ण ही होगी। ठीक है ना, तो ऐसा संकेत देने के लिए हमें क्या कैपिटल पनिशमेंट की आवश्यकता होगी, और अगर हम इसे समाप्त कर देते तो वहां पर फिर हम कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना, तो दोनों फैक्ट्स मतलब कहने का विचार करने योग्य है। एक तो ये कि मनमाना तरीका एक ऐसा रवैया है जिसको आप हटा नहीं सकते, ड्राइव आउट नहीं, वाइप आउट नहीं कर सकते, ड्राइव आउट नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो रवैया है मतलब कहने का, सजा सुनाने का, इसको तो कोई और कोई तो बेस है नहीं जिससे कि इसको रिमूव किया जा सके। और दूसरी तरफ पक्ष क्या है कि कैपिटल पनिशमेंट की भी रिक्वायरमेंट, भले ही ये कभी कभी यूज होता है, लेकिन इसकी रिक्वायरमेंट बनी रहती है, लोगों को डर रहता है, है ना। तो दोनों ही मुद्दे जो है यहां पर एक साथ डिस्कस किए गए हैं। तो जो डेथ डिबेट लिखा गया है, मृत्यु पर चर्चा, वो इसी आशय के साथ लिखा गया है। ठीक है, तो आइए हम पढ़ते हैं टॉपिक को और जानते हैं कि आखिर क्या इंग्लिश में यहां पर सीखने लायक है। पहले तो आप शुरू से ही देखेंगे डिबेट ऑन, जैसे कि है ना, डेथ डिबेट, डिबेट ऑन समथिंग होता है, तो किसी मुद्दे पर चर्चा। ठीक है, तो ये बहुत ही प्रीपोजिशन ऑन जो है पर्टिकुलर एक तरह से फिक्स मान लिया, डिबेट ऑन समथिंग, डिस्कशन ऑन समथिंग, है ना, कभी कभी अबाउट भी लग जाता है, लेकिन ऑन ज्यादा प्रिफर होता है। व्यूज ऑन किसी पर्टिकुलर मुद्दे को लेकर के विचार अगर आपके, तो व्यूज ऑन समथिंग, या व्यूज ओवर भी आता है, व्यूज अबाउट समथिंग भी होता है, लेकिन ऑन जो होता है प्रियोरिटी में आता है, सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, तो जैसे कभी कभी क्या होता है कि
तीन चार ऑप्शन दे दिया, अब उसमें ना ओवर है ना अबाउट है, ठीक है, ऑन ही प्रीपोजिशन है तो आप ऑन से चले जाओगे, है ना। प्रीपोजिशन कई आते हैं लेकिन मैक्सिमम कौन सा आता है वो भी आपको ध्यान देना होता है। तो यहाँ व्यूज ऑन समथिंग, पर्टिकुलर मुद्दे को लेकर के, ओपिनियन ऑन समथिंग भी कर सकते हो आप, ठीक है। इसके साइनोनिम जो होंगे मैक्सिमम यही प्रीपोजिशन फॉलो करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा केसेज में, ठीक है। आगे पढ़ते हैं, इन क्वेश्चनिंग द मेरिट्स ऑफ रिटेनिंग द डेथ पेनाल्टी, इन क्वेश्चनिंग प्रश्न में द मेरिट्स, माने मेरिट माने होता है क्वालिटी, ऑफ रिटेनिंग, रिटेनिंग माने होता है बनाए रखना, कायम रखना, द डेथ पेनाल्टी माने मृत्युदंड, मृत्युदंड को बनाए रखने की जो क्वालिटी है, गुणवत्ता है, उस पर पूछे गए क्वेश्चनिंग माने उस पर पूछे गए प्रश्न के रूप में जस्टिस कुरियन जोसेफ, जस्टिस कुरियन जोसेफ जी जो हैज़ री इग्नाइटेड, इग्नाइट माने होता है उत्तेजित कर देना, उग्र कर देना, री इग्नाइट फिर से उत्तेजित कर दिया, अ डिबेट एक चर्चा, मतलब कहने का कि डेथ पेनाल्टी को कायम रखना है या नहीं रखना है, इससे जुड़े हुए इसकी मेरिट, इसकी क्वालिटी को लेकर के जितने भी प्रश्न किए गए इनके जवाब में क्या किया जस्टिस कुरियन जोसेफ ने, फिर से क्या कर दिया, रीइग्नाइट कर दिया, मतलब पुनः उत्तेजित कर दिया एक चर्चा को, कैसी चर्चा, दैट इज इंपॉर्टेंट, जो कि महत्वपूर्ण है एंड रिक्वायर्स, और इसमें आवश्यक है सीरियस थॉट, गंभीर विचार करने की, सीरियस कंसिडरेशन कहें या सीरियस थॉट कहें, ठीक है। तो एक ऐसी चर्चा को इन्होंने शुरू कर दिया जो कि महत्वपूर्ण भी है और इसमें आवश्यकता भी है गंभीरता के साथ विचार करने की। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज देखेंगे, और डिबेट आया है सिंगुलर जो कि एंटीसीडेंट का वर्क करेगा, और एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पर इज भी आ रहा है, और फिर एंड के साथ पैरेलल कंस्ट्रक्शन फॉलो हो रहा है यहाँ पर, दैट इज इंपॉर्टेंट, है ना, यहाँ पर इज आपकी वर्ब हो गई, और फिर उसके बाद फिर से आपको एक बार वर्ब लेनी है एंड रिक्वायर्स, और यही डिबेट को आवश्यकता है दोबारा विचार करने की। तो जो डिबेट है, ठीक है, वही इंपॉर्टेंट भी है और वही रिक्वायर्स भी करती है सीरियस थॉट। तो यहाँ पर एस आई एस लगा क्योंकि आपका एंटीसीडेंट सिंगुलर था, ठीक है ना। तो यहाँ इज आया, और अगर यहाँ आर कर, मतलब कहने का बिना इसके लगा देता तो प्लूरल वर्ब क्यों लेते हैं, हमें सिंगुलर ही लेनी है क्योंकि यहाँ पर भी सिंगुलर वर्ब आई है एंड से जुड़े सेंटेंस, है ना। तो ऐसी चीज़ें आपको फॉलो करनी होगी, ठीक है। व्हाट ही सेड कैन नॉट बी इग्नोर्ड, मतलब कहने का जो कुछ भी उन्होंने कहा कैन नॉट बी इग्नोर्ड, उसे नज़रअंदाज नहीं किया सकता। अब देखिए, ही मतलब कौन, कुरियन जोसेफ जी, ठीक है। तो ही किन के लिए, कुरियन जोसेफ जी के लिए है कि जो भी उन्होंने कहा नज़रअंदाज नहीं किया सकता। ये के पूरा का पूरा एक सेंटेंस है, आप यहाँ से यहाँ तक ध्यान देंगे, व्हाट ही सेड ये कैन नॉट बी, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आ गई, ठीक है, मेन वर्ब आ गई, मतलब कहने का ये कि ये सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है पूरा, जो कुछ भी उन्होंने कहा वह बात उससे इग्नोरमेंट, मतलब उससे इग्नोर नहीं किया सकता, ठीक है ना, ये कहने का मतलब था उनका। तो एक नाउन या प्रोनाउन होना चाहिए यहाँ पर, ठीक है, सब्जेक्ट के रूप में, तो एक नाउन के स्थान पर पूरा का पूरा क्लॉज बैठा दिया है, ठीक है। तो ये जो है नाउन क्लॉज कहलाता है, ठीक है। जब नाउन कहाँ कहाँ आ सकता है, नाउन तो सब्जेक्ट की जगह आ सकता है, ऑब्जेक्ट की जगह आ सकता है ज़्यादातर किस में, तो वहाँ पर अगर आपको एक सेंटेंस बैठा देते हो तो वो नाउन क्लॉज कहला दिया जाएगा, ठीक है ना। तो व्हाट ही सेड, जो कुछ भी उन्होंने कहा, कैन नॉट बी इग्नोर्ड, उसे नज़रअंदाज नहीं किया सकता है, द यद्यपि द लॉ, कानून, कैसा कानून, लेड डाउन इन बच्चन सिंह 1980। अब बच्चन सिंह जो है ये हो सकता है कोई केस पर्टिकुलर हो, या फिर केस डायरी हो सकती है, या फिर कोई कानून जो 1980 में बना है बच्चन सिंह के नाम से फेमस, मतलब कहने का उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो वो कानून जो लेड डाउन लिखा गया है बच्चन सिंह 1980 में जो लिखा गया है अप होल्डिंग, अब ये लेड डाउन का मतलब पता है क्या होता है, लिखना नहीं होता, लेड डाउन का मतलब होता है स्टेट, मतलब कहा जो जिसकी चर्चा की गई है, स्टेट समथिंग ऑफिशियली, आधिकारिक रूप से किसी चीज़ की चर्चा करना जिसको, मतलब कहने का आपको मानना पड़े, दैट यू हैव टू ओबे, है ना। तो वो होता है ले डाउन करना, इसका मीनिंग मैंने लास्ट में वीडियो के लिख रखा है, आप वहाँ भी एक्सप्लेन करके पढ़ सकते हो। तो कानून, कैसा कानून, लेड डाउन, जिसका वर्णन है, जो कि कहा गया है, जिसकी चर्चा की गई है बच्चन सिंह 1980 के मामले में, क्या करता है वो, अपहोल्डिंग द वैलिडिटी ऑफ द डेथ पेनाल्टी। ये बच्चन सिंह केस का मामला जो है अपहोल्डिंग माने कायम रखता है, बना के रखता है, यानी ये रिटेन वर्ब है वही यहाँ पर भी है, ठीक है। अपहोल्डिंग बरकरार रखता है द वैलिडिटी माने वैधता ऑफ द डेथ पेनाल्टी, मृत्युदंड की, मृत्युदंड की वैधता को बरकरार रखता है। एंड लेइंग डाउन, और कहता है, क्या कहता है, गाइडलाइंस मतलब निर्देश, और निर्देश भी बताता है फॉर, किसके लिए, अवॉर्डिंग डेथ, मतलब कहने का मृत्यु प्रदान करने के लिए, इन द रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस, मतलब दुर्लभ से दुर्लभ मामले। एक बात तो ये कि मृत्युदंड को बरकरार रखता है, और दूसरी बात ये कि बहुत बुरे मामले अगर आ जाते हैं तो वहाँ पर मृत्युदंड को किन निर्देशों के तहत दिया जाना है वो भी बात बताता है, कौन, बच्चन सिंह 1980,
ठीक है, स्टिल होल्ड्स द फील्ड, वो अभी भी क्या है, बरकरार है, ठीक है। तो वो कानून जो कि बच्चन सिंह मामले में लिखे गए हैं, स्टिल होल्ड्स द फील्ड, अभी भी बरकरार है, अभी भी मतलब कहने का उनका वजूद है, वो अभी भी वैलिड है, वैध है, ठीक है। तो ये जो होल्ड्स आया है किसके लिए आया है, ये इन कानूनों के लिए आया है। कानून कैसे, वर्ब की थर्ड फॉर्म से एडजेक्टिव फ्रेज डाला यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पर इन्होंने यहाँ से फिर से एडजेक्टिव फ्रेज डाला यहाँ पर, फिर एंड से एक और जोड़ दिया। तो सिर्फ क्या है, लॉ की विशेषता बता रहे थे, कैसे कानून जो बच्चन सिंह 1980 में लिखे गए, मतलब उनकी वर्णन किया गया है, कैसा बच्चन सिंह जो कि डेथ पेनाल्टी को वैलिड करता है, और साथ में अगर कहीं रेयरिस्ट मामलों में डेथ पेनाल्टी दी जानी है तो उनके लिए निर्देश भी जारी करता है, ऐसे बच्चन सिंह में लिखे गए जो कानून है उनका, वो कानून क्या करते हैं, स्टिल होल्ड्स द फील्ड, अभी भी वो बरकरार है, अभी भी वो वैलिड है, ठीक है। लेकिन इन्होंने जो कुरियन जोसेफ जी ने जो कहा है उस पर भी विचार करने की आवश्यकता है, मतलब उसको नजरअंदाज नहीं किया सकता, ठीक है। तो ये पूरा मीनिंग था। अब यहां पर आप देखेंगे वैलिडिटी ऑफ द, यहाँ पर जैसे हमने कहा ना कि दो एडजेक्टिव फ्रेज यहाँ पर आए, अपहोल्डिंग द वैलिडिटी ऑफ डेथ पेनाल्टी एंड लेइंग डाउन द गाइडलाइंस ऑफ अवॉर्डिंग। बच्चन सिंह मामला कैसा, जो कि अपहोल्ड करता है डेथ पेनाल्टी को भी, और इसी बच्चन सिंह के लिए इन्होंने विशेषता बताई है, लेइंग डाउन और गाइडलाइंस भी जारी करता है, गाइडलाइंस का भी उल्लेख करता है, कैसी गाइडलाइंस, फॉर अवॉर्डिंग डेथ, मृत्युदंड, मतलब कहने का अवॉर्ड करने के लिए, अवॉर्ड वर्ब भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा, जब मृत्यु देने की बात आए, है ना, तो मृत्यु का पुरस्कार देना, तो वो सिंपली क्या, अवॉर्ड द डेथ, है ना, अवॉर्ड डेथ संते, मृत्यु दंड देना, तो मृत्यु दंड देने के लिए जो गिव पनिशमेंट या गिव डेथ पेनाल्टी ऐसे नहीं यूज करेंगे, बल्कि अवॉर्डेड, अवॉर्ड वर्ड का यूज करते हैं मृत्यु दंड देने के लिए, ठीक है। तो ये वर्ब अगर कभी पूछी जाती है तो आप इसका यूज करेंगे, ठीक है ना, मृत्यु दंड देना, मृत्यु की सजा सुनाना, तो अवॉर्ड द डेथ सेंटेंस, मृत्यु दंड देना, ठीक है। और सेंटेंस वर्ड जो होता है इसका मतलब पनिशमेंट होता है, यहां पर जब मृत्यु के केस में आता है तो पनिश सेंटेंस का मतलब होता है पनिशमेंट, ओके। अभी आएगा तो मैं वहां पे आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। आगे पढ़ते हैं, इवन द अदर टू जजेस ऑन द बेंच हैव डिसएग्रीड विथ जस्टिस जोसेफ्स व्यू, ठीक है। इवन अदर टू जजेस, दो अन्य जज भी ऑन द बेंच, जो उसी बेंच में थे, हैव डिसएग्रीड, वो असहमत थे विथ जस्टिस जोसेफ्स व्यूज, जस्टिस जोसेफ के दृष्टिकोण से, विचार से, दैट, कैसा विचार, दैट द टाइम हैज कम, कि समय आ गया है टू रिव्यू, समीक्षा करने का, द डेथ पेनाल्टी, मतलब मृत्युदंड की, ठीक है, मृत्युदंड की जो समीक्षा है उसको करने का समय आ गया है, ऐसा जस्टिस जोसेफ जी का विचार है। इससे दो अन्य जज भी क्या थे उस बेंच के, वो डिसएग्रीड थे, मतलब असहमत थे, ठीक है ना, ये इनके कहने का मतलब है। इट्स पर्पज एंड प्रैक्टिस, और क्या करने का, डेथ पेनाल्टी को समीक्षा करना, एंड इट्स पर्पज, इसके उद्देश्य की समीक्षा करना, एंड प्रैक्टिस, और किस प्रकार से इसको लागू किया जाता है इसकी भी समीक्षा करना, ठीक है। तो जस्टिस जोसेफ जी का विचार ये था कि समय आ गया है डेथ पेनाल्टी, उसके उद्देश्य, और साथ में उसको किस प्रकार से इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, इन सभी की समीक्षा की जाए, रिव्यू किया जाए इनको, ठीक है। और इस मुद्दे से जो अन्य दो जज थे बेंच के, वो भी असहमत थे, ठीक है ना, ये कहने का मतलब। बट इट इज इम्पॉसिबल, लेकिन यह असंभव है टू इग्नोर, कि नज़रअंदाज कर दिया जाए द इथिकल एंड प्रैक्टिकल डायमेंशन, जो मतलब इथिकल क्या होता है, मोरल, ठीक है, एंड प्रैक्टिकल माने व्यवहारिक, डायमेंशंस माने रूप है जो, ऑफ द डिबेट, माने चर्चा का, चर्चा का जो नैतिकतापूर्ण, मोरालिटी से भरा हुआ और जो व्यवहारिक रूप है उसको नज़रअंदाज करना असंभव है, ठीक है। कैसी परिचर्चा, इन द वर्ल्ड, जो कि विश्व भर में हो रही है, ऐसी दुनिया में हो रही है, दैट इज इंक्रीजिंगली, जो कि बड़ी मात्रा में क्वेश्चनिंग, प्रश्न कर रही है, द विजडम ऑफ, मतलब कहने का बुद्धि का, ऑफ कैपिटल पनिशमेंट, कैपिटल पनिशमेंट की, मृत्युदंड को लेकर के जो विजडम है, जो सोच है, जो बुद्धि है, इसका प्रश्न कर रही है लगातार बड़ी मात्रा में, उस परिचर्चा को जो कि पूरी तरह नैतिकता और व्यवहारिकता से भरी हुई है, उसको इग्नोर करना असंभव है। मतलब सिंपल मीनिंग में यह है कि डेथ पनिशमेंट और इथिकलिटी, मतलब इथिकल डायमेंशंस की बात अगर आ जाए, कि मोरालिटी की जब बात आ जाए, तो वहाँ पर कैपिटल पनिशमेंट, इस पर लगातार प्रश्न उठ रहे हैं कि आखिर ये अभी भी क्यों बरकरार है, जब मोरालिटी की और प्रैक्टिकल डायमेंशंस की बात होती है। मतलब एक तो नैतिकता होना, तो नैतिकता क्या कहती है, कि भाई किसी को भी, चाहे उसने सजा की हो, मतलब कहने का जितना बड़ा अपराध किया हो, है ना, तो उसको पनिशमेंट एक लिमिट पे दिया जाना चाहिए, तो ये नैतिकता होती है आपकी, दयावानता होती है, नहीं तो फिर वो क्रूरता हो जाएगी ना, जो अगर आप वैसा ही मतलब कहने का बर्ताव उसके साथ करोगे, उसे सुधरने का मौका देना, ये नैतिकता होती है। तो इथिकल और प्रैक्टिकल डायमेंशन जो है उनको नज़रअंदाज नहीं किया सकता, ये इनका कहना है, ठीक है। जस्टिस जोसेफ
हैज अंडरस्कोर्ड द आर्बिट्रेरी मैनर इन विच इट इज अवॉर्डेड बाय द डिफरेंट जजेस. जस्टिस जोसेफ ने हैज अंडरस्कोर्ड, अंडरस्कोर्ड मतलब हाईलाइट, अंडरलाइन, उन्होंने मतलब कहने का खुल के बताया है द आर्बिट्रेरी मैनर. आर्बिट्रेरी होता है मनमाना, मैनर माने रवैया या ढंग, उस मनमाने ढंग की बारे में बात की है जस्टिस जोसेफ जी ने, इन विच जिस तरीके से इट इज़ अवॉर्डेड, इट माने कैपिटल पनिशमेंट, ठीक है, जिस तरीके से मृत्युदंड इज अवॉर्डेड प्रदान किया जाता है बाय डिफरेंट जजेस, अलग अलग जजों के द्वारा, ठीक है. जस्टिस जोसेफ जी ने उन सभी आर्बिट्रेरी मैनर्स, उन सभी मनमाने ढंगों को मतलब कहने का बताया है, अंडरस्कोर किया है, जिस प्रकार से अलग अलग जज के द्वारा इस कैपिटल पनिशमेंट को दिया जाता है. एंड और क्या बताया है इन्होंने, द वे, वो तरीके भी बताए हैं, पब्लिक डिस्कोर्स इन्फ्लुएंसेस सच डिसीजन, जिस प्रकार से जो जनता की डिस्कोर्स माने परिचर्चाएं हैं इन्फ्लुएंसेस प्रभावित करती हैं सच डिसीजन, इस प्रकार के निर्णयों को, ठीक है, जनता के बीच में क्या चर्चा चल रही है पर्टिकुलर मुद्दे को लेकर के, उससे भी जजों के निर्णय बदलते हैं. और साथ में अलग अलग जज के द्वारा जो दिया जाने वाला मतलब मृत्युदंड है, किस प्रकार से मृत्युदंड दिया जाता है, उसमें भी मनमाना ढंग दिखाई देता है. इस मुद्दे को जस्टिस जोसेफ जी ने अंडरस्कोर किया है, हाईलाइट किया है. ओके, कंसर्न्स, चिंताएं ओवर जज सेंट्रिक वेरिएशंस. जज सेंट्रिक मतलब होता है जज पर केंद्रित जो विभिन्नताएं दिखाई देती हैं, पर्टिकुलर जज की ओपिनियन अलग हो सकते हैं, पर्टिकुलर होंगे, दूसरे जज की ओपिनियन अलग हो सकते हैं सेम केस को लेकर के, ठीक है. तो वही ये कह रहे हैं, जज सेंट्रिक, जजों पर आधारित जो वेरिएशन है, विभिन्नताएं हैं, इस पर जो कंसर्न्स है, चिंताएं हैं, हैव बीन रेज्ड, वो उठाई गई हैं इन द पास्ट, पहले ही, ठीक है, पहले भी जज पर आधारित जो वेरिएशंस दिखाई देते हैं उन पर चिंताएं पहले भी जताई गई हैं, ठीक है, रेज माने उठाई गई हैं, तो रेज हैव बीन रेज्ड मतलब चिंताएं उठाई गई हैं, चिंताएं जताई गई हैं, इस सेंस में आया है, ठीक है ना. अब रेज माने आप सिर्फ उठाना ही पढ़ लोगे तो मीनिंग नहीं निकलेगा, चिंता जताया जाता है, ठीक है, एक्सप्लेन किया जा सकता है. इन द पास्ट ये पूरा फ्रेज है, मतलब पिछले समय में भी, ठीक है. द सुप्रीम कोर्ट इट्सेल्फ, सुप्रीम कोर्ट ने अपने आप में, इम्फैटिक प्रोनाउन है, ठीक है ना, इट्सेल्फ जब लास्ट में आता है तो फिर क्या होता है, ये इट्सेल्फ अगर लास्ट में आता तो फिर इसका मतलब होता है रिलेटिव प्रोनाउन है, ठीक है ना, लेकिन यहाँ क्या है, इम्फैटिक प्रोनाउन की तरह वर्क करेगा जब वो उसी नाउन के बगल में आ जाता है जिस नाउन की वो विशेषता बता रहा है. जैसे इसका सेंस क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट ने खुद स्पोक कहा है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने खुद, तो ये इम्फैटिक खुद पर जोर दे रहा है ना, तो इम्फैटिक प्रोनाउन इसे कहते हैं. सुप्रीम कोर्ट ने इट्सेल्फ स्पोक ऑफ, खुद बात की है, स्पोक ऑफ बात की, किस मुद्दे पर कहा है, स्पोक ऑफ द एक्सट्रीमली अनइवन एप्लीकेशन, एक्सट्रीमली बहुत अधिक मात्रा में अनइवन मतलब असामान्य एप्लीकेशन, मतलब होता है क्या, अनुप्रयोग, प्रयोग करना किसी पर्टिकुलर चीज़ को असामान्य तरीके से, बहुत ही अधिक मात्रा में मतलब अप्लाई करना पर्टिकुलर चीज़ को, ऑफ किस चीज़ को, ऑफ द नॉर्म्स माने नियम एवं शर्तों को, लेड डाउन इन बच्चन सिंह, जो कि बच्चन सिंह में ले डाउन मतलब कहने का लिखे गए हैं, वर्णित किए गए हैं, ठीक है, तो बच्चन सिंह में लिखे गए जो कानून है उनको असामान्य तरीकों से मतलब कहने का अनुप्रयोग में लाना, प्रयोग में लाना, इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, ठीक है. सुप्रीम कोर्ट ने ये माना है मतलब कहने का कि बच्चन सिंह में लिखे गए जो कानून है बड़े ही असामान्य तरीके से इनको प्रयोग में लाया जाता है, ठीक है. स्पीक ऑफ समथिंग जो होता है, प्रीपोजिशन ऑफ आप देखेंगे, ठीक है, स्पीक ऑफ समथिंग, किसी पर्टिकुलर मुद्दे के बारे में बात करना, तो प्रीपोजिशन ऑफ फॉलो होता है, ठीक है. थॉट ऑफ समथिंग जैसे होता है वैसे स्पीक ऑफ समथिंग भी होता है, ठीक है ना. आगे बढ़ते हैं, द लॉ कमीशन मतलब कानून आयोग, इन इट्स रिपोर्ट इन 2015, 2015 की अपनी रिपोर्ट में सेड माने कहा, ठीक है. अब देखिए, लॉ कमीशन के बाद अचानक से इन इट्स रिपोर्ट इन 2015 आ गया, ठीक है, तो प्रॉब्लम ये हो जाती है कि अब लड़के सोचेंगे कि यार अचानक से हेल्पिंग वर्ब कुछ नहीं आई और प्रॉब्लम हो गई, पता नहीं कहाँ से डाल दिया बीच में, और ये तो सिर्फ इतना छोटा है तो आपको दिख रहा है, या कॉमा से यहाँ पे कॉमा अलग कर दिया और सेड आया तो आप कनेक्ट कर पाओगे आसानी से. यही अगर दो तीन लाइन का डाल दे उसके बाद फिर कॉमा से मतलब कहने का उसके बाद मतलब मेन वर्ब डालेगा तो आप उसे पकड़ नहीं पाओगे कि प्रॉब्लम आई कहाँ, कोई एडजेक्टिव फ्रेज डाल दिया, कोई और अलग इन्फॉर्मेशन डाल दी. तो ये ध्यान रखना कि जैसे अचानक से फ्रेज वगैरह आ जाता है तो आप ध्यान दीजिए कि वो पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन है और अगर कॉमा लगा है तो कॉमा से वो अलग कर देगा उसे, और उसके बाद ही वो आगे सेंटेंस, इस वाले सेंटेंस को जो हमने सेंटेंस स्टार्ट किया सब्जेक्ट लिख करके इसको पूरा करेंगे, ठीक है ना. तो ये तरीका होता है, न्यूज़पेपर में एक खासियत ये होती है कि कॉमा से अलग कर देता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है एग्जाम में जैसे कि स्पॉटिंग एरर में आ गया तो वो कॉमा लगाएगा ही नहीं वहां पे, है ना, या फिर लगाता है तो मतलब कहने का कभी कभी दिखता नहीं है इस हिसाब से, मतलब कहने का अभी ऑनलाइन हो गया तो कभी कभी वो मतलब मिसप्रिंट हो जाता है, दिखाई नहीं देता उसमें कॉमा,
एक जगह शुरुआत में दिखाई नहीं दिया, लास्ट में बस दिखाई दिया जब अलग करके आगे वर्ब जोड़ रहा है, तो ऐसी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। मान लो यहाँ पे कॉमा ना लगा हो और उसके बाद कॉमा से फिर अलग करके फिर सेट लगा दिया उसने, कभी कभी ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं क्वेश्चन वगैरह लिखने में। तो यहाँ तो आप समझ पा रहे हो, वहाँ पर नहीं समझ में आता। तो ध्यान दीजिएगा कि आगे चल के कोई वर्ब जो है, आप सेंटेंस को पहले फॉर्म पूरा कंप्लीट करने की कोशिश किया करिए। जैसे सब्जेक्ट आया है, सब्जेक्ट के आगे वर्ब भी होनी चाहिए। अब वर्ब यहाँ नहीं दिख रही है तो आप वर्ब खोजिए, सेड कहा, द कॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेरेशन, उसके बाद जो कहा है वो आगे लिखा है। तो मतलब कहने का सब्जेक्ट ये है तो वर्ब यहाँ पे आई है, ये सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन है। तो द लॉ कमीशन, कानून आयोग, इन इट्स रिपोर्ट इन 2015 में अपनी रिपोर्ट में उस कानून आयोग ने सेड कहा, क्या कहा, द कॉन्स्टिट्यूशनल रेगुलेशन ऑफ कैपिटल पनिशमेंट अटेम्प्टेड इन दैट केस। दैट केस माने इस मामले में अटेम्प्टेड प्रयोग किए गए, प्रयास किए गए, जो कैपिटल पनिशमेंट मतलब मृत्युदंड है, इस मामले में जो मतलब कहने का पर्टिकुलर प्रयोग किए गए कैपिटल पनिशमेंट मृत्युदंड है, उसको लेकर के जो संवैधानिक रेगुलेशन माने नियम एवं शर्तें बनाए गए हैं, हैज़ वो क्या है, हैज़ फेल्ड, असफल हो गए हैं टू प्रिवेंट, रोकने में डेथ सेंटेंस मृत्युदंड को फ्रॉम बीइंग आर्बिट्रेली एंड फ्रीकिशली इम्पोज, कि वो आर्बिट्रेली मतलब मनमाने ढंग से और फ्रीकिशली मतलब बड़े ही अजीब तरीके से इम्पोज लादा गया है, मतलब लगाया जाता है, ठीक है, मृत्युदंड को बड़े ही मनमाने ढंग से और बड़े ही अजीब रूप से मतलब इम्प्लीमेंट किया जाता है, इम्पोज किया जाता है, लाद दिया जाता है किसी पर, इस बात को, इस घटना को रोकने में असफल हो गए हैं। कौन? कॉन्स्टिट्यूशनल रेगुलेशन, संवैधानिक नियम एवं शर्तें असफल हो गई हैं कि वो मृत्युदंड को मनमान ढंग से जो इम्प्लीमेंट किया जाता है इस बात को रोक पाए, ठीक है। कैसी कॉन्स्टिट्यूशनल रेगुलेशन? कैपिटल पनिशमेंट को लेकर के जो संवैधानिक नियम एवं शर्तें बनाई गई हैं वो, कैसे कैपिटल पनिशमेंट, अटेम्प्टेड इन दैट केस, जो कि लॉ कमीशन की रिपोर्ट में जिसको संज्ञान में लिया गया है उस मुद्दे को लेकर के, ठीक है। तो लॉ कमीशन मतलब कहने का रिपोर्ट में अपने ये कहता है कि भाई कैपिटल पनिशमेंट जो कि पर्टिकुलर अप्लाई किया जाता है, तो मतलब कहने का कि इसको मनमाने ढंग से और बिल्कुल अजीब तरीके से प्रयोग में लाने से रोकने के लिए जो संवैधानिक कानून या नियम एवं शर्तें बनाई गई थी वो असफल हो गई हैं अपना काम करने में, ठीक है, ये कहने का मतलब है। जस्टिस जोसेफ्स प्रतीत होते हैं टू इंडोर्स माने प्रेज, प्रशंसा करते हुए द कमीशन्स एसर्शन, कमीशन के एसर्शन माने होता है स्टेटमेंट, कथन की, ठीक है ना। ऑब्वियसली क्यों ना प्रेज करें, भाई उन्हीं के फेवर में तो आ रहा है ना, जस्टिस जोसेफ जी के जो विचार हैं और वही उसी डायरेक्शन में लॉ कमीशन भी अपनी रिपोर्ट दे रहा है ना, तो वही कह रहे हैं कि जस्टिस जोसेफ सीम्स प्रतीत होते हैं टू इंडोर्स, प्रशंसा करते हुए कमीशन के स्टेटमेंट, कथन की, कैसा कथन, दैट की कथन ये है कमीशन का कि देयर एग्जिस्ट नो प्रिंसिपल्ड मैथड, यहाँ पर कोई सैद्धांतिक तरीके का वजूद नहीं है, एग्जिस्ट नहीं करता टू रिमूव, जिससे कि निकाला जा सके सच आर्बिट्रेरीनेस, इस प्रकार की मनमानी को फ्रॉम कैपिटल सेंटेंसिंग, मतलब कहने का मृत्युदंड देने की, मृत्युदंड देने की जो मनमानी है, ऐसा कोई सिद्धांत का, कोई सिद्धांतवादी तरीका नहीं है, प्रिंसिपल्ड मेथड नहीं है कोई, जिससे कि इस मनमानी तरीके को रिमूव किया जा सके, हटाया जा सके, ठीक है, ऐसा कमीशन ने अपने स्टेटमेंट में कहा। तो मतलब कहने का क्या, कि जब इस मनमानीपन को नहीं समाप्त किया सकता, तो ऑब्वियसली इनडायरेक्टली एक संकेत तो यही होता है कि अगर आपको इसे हटाना है तो मनमाने तरीके को ना हटा के कैपिटल पनिशमेंट को ही हटाइए, क्योंकि ये मनमाना रवैया जो है ये तो नहीं समाप्त हो सकता, ठीक है। इन इंडिविजुअल केसेस, मतलब अलग अलग मामलों में, मच ऑफ द कन्वर्सेशन अबाउट द मैक्सिमम सेंटेंस, अधिकतम सज़ा को लेकर के जो कन्वर्सेशन, जो बातचीत चल रही है, कैसी सज़ा, दैट मे बी इम्पोज्ड, जिसको लादे जाने की संभावना है, इम्पोज माने लादना होता है, मतलब किसी चीज़ पर जबरदस्ती इम्पोज कर देना, जबरदस्ती उस पर लगा देना, ठीक है। तो यहाँ पर सज़ा को लाद तो सकते नहीं है, कोई बोझ तो है नहीं, तो मतलब कहने का जबरदस्ती थोप देना, ठीक है, ऐसे समझ सकते हो। That may be imposed, जिसको जबरदस्ती दिया जा सकता है, usually सामान्य तौर पर जो अधिकतम सज़ा दी जा सकती है किसी व्यक्ति को, उस पर जो बातचीत है वो conversation revolves around, चारों तरफ भटक रही है, the nature of crime माने crime, जो अपराध की nature माने प्रकृति है उसके, ठीक है। तो अपराध की प्रकृति के चारों तरफ भटकने का मतलब उस पर डिपेंड होना, ठीक है। तो जो कहने का मतलब, हम डेथ मैक्सिमम सेंटेंस किसी को अवॉर्ड कर सकते हैं, तो वो डिपेंड करता है उस पर, जितनी भी बातचीतें हैं वो सारी की सारी डिपेंड करती हैं, रिवॉल्व करती हैं क्राइम के नेचर को लेकर के, उस पर डिपेंड करती हैं कैसा आखिर अपराध की प्रकृति किस लेवल की है, ठीक है। वो नेचर जिस हिसाब से होगा, उसकी क्वालिटी, अपराध कितना क्रूर होगा, उसी अकॉर्डिंग उसकी पनिशमेंट होगी, ठीक है। और किस पर, इट्स ग्रेविटी, कितना गंभीर अपराध है, इस पर भी
निर्भर करता है, एंड क्रुएल्टी, क्रुएल्टी मतलब होता है क्रूरता, कितना क्रूर है अपराध इस पर भी डिपेंड करता है, एंड और द नंबर ऑफ फैटेलिटीज, कितने लोग मरे हैं उससे, फैटेलिटीज होता है डेथ्स, ठीक है, नंबर ऑफ डेथ्स, कितने लोग उससे मरे हैं इस पर भी निर्भर करता है कि वो मतलब कहने का क्राइम किस लेवल का है, उसकी प्रकृति डिसाइड होगी, उसके बाद फिर हम उसके मतलब मैक्सिमम सेंटेंस पर बातचीत कर सकते हैं, कन्वर्सेशन कर सकते हैं, ठीक है ना। इन रीसेंट टाइम्स, हाल ही में, पब्लिक आउटरेज, पब्लिक आउटरेज होता है जनता का आक्रोश, ठीक है, द नीड फॉर डिटरेंस, नीड माने आवश्यकता, फॉर डिटरेंस माने होता है निवारण की, समस्याओं के निवारण की जो आवश्यकता है वो, एंड द क्लैमर, और शोर शराबा किस चीज़ के लिए, फॉर अ बी फिटिंग पनिशमेंट, बी फिटिंग होता है उचित पनिशमेंट माने होता है सजा, ठीक है, उचित सजा को लेकर के जो शोर शराबा है वो, टू द रेंडर, मतलब कहने का किस लिए, टू रेंडर, रेंडर माने होता है गिव, प्रदान करने के लिए, सब्सटेंशियल मतलब होता है काफ़ी बड़ी मात्रा में, जस्टिस माने न्याय, ठीक है, काफ़ी बड़ी मात्रा में न्याय प्रदान करने के लिए, उचित सजा के लिए शोर शराबा होना, और निवारण के लिए आवश्यकता होना, और जनता के बीच में आक्रोश, ये सारी ही चीज़ें क्या है, हैव डोमिनेटेड, ये छा गई हैं द डिस्कोर्स, डिस्कोर्स माने परिचर्चा में, डोमिनेटेड द डिस्कोर्स, डोमिनेट किसी चीज़ पे डोमिनेट करने का मतलब क्या होता है, उससे ज़्यादा अधिक प्रभावी होना, है ना, तो इस परिचर्चा में सबसे ज़्यादा प्रभावी रही है। तो हाल ही के समय में जो सबसे ज़्यादा ये जो चर्चाएँ चल रही हैं कैपिटल पनिशमेंट को लेकर, इसमें कौन कौन सी चीज़ें सबसे ज़्यादा प्रभावी रही हैं, पहली बात तो ये प्रभावी रही है जनता का आक्रोश, ठीक है, अगर किसी मुद्दे पर, चाहे वो निर्भया कांड हो, चाहे और भी कोई केस हो सकता है, ठीक है, तो इसको लेकर जो पब्लिक का आउटरेज होता है उसको देख करके भी काफ़ी डिसीजंस आ सकते हैं, ठीक है। नीड फॉर डिटरेंस, उसको निवार, उसका निवारण करने की, उसको मतलब कहने का क्योर करने की, उसका मतलब कहने का परमानेंट सॉल्यूशन निकालने के लिए जो चीज़ें नीडेड हैं उसकी भी आवश्यकता होती है। दूसरा, शोर शराबा फॉर बी फिटिंग पनिशमेंट, उचित सजा दी जाए, इसके लिए भी जो क्लैमर, जो नॉइज निकल के आती है उसको भी ध्यान में रखा जाता है, ठीक है, ये सारी चीज। और क्या है, टू रेंडर सब्सटेंशियल जस्टिस, मतलब सबसे अधिक, सबसे अच्छा न्याय दिए जाने के लिए उचित सजा, भाई आपको मैक्सिमम जस्टिस देना है ना, कितना अच्छा से अच्छा जस्टिस, न्याय आप दे सकते हो, उसके लिए बिफिटिंग पनिशमेंट, उचित सजा देना, उचित सजा का क्लैमर, मतलब ये जो शोर शराबा निकल के आता है, ये सारी की सारी चीज़ें डोमिनेट करती हैं डिस्कोर्स माने इस परिचर्चा में कैपिटल पनिशमेंट के, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, थ्योरीज ऑफ पनिशमेंट, थ्योरीज माने वही जो लेख होते हैं, ऑफ पनिशमेंट माने सजा के, ऑन किस मुद्दे पर, ऑन वेदर कि क्या इट ऑट टू बी प्यूनिटिव, क्या इस, प्यूनिटिव होता है दंडात्मक, क्या इस सजा को दंडात्मक होना चाहिए, रिट्रीब्यूटिव बदलापूर्ण होना चाहिए, रिफॉर्मेटिव सुधारात्मक होना चाहिए, या और रिस्टोरेटिव या फिर मतलब फिर से अपने स्थान पर लाने वाला होना चाहिए, आर लेस रिलेवेंट, वो कम महत्व के हैं टू द पब्लिक इमेजिनेशन, जनता की कल्पना से, एंड द लॉ इन्फोर्सर, और कानून को लागू करने वाले के लिए, ठीक है। तो पनिशमेंट को लेकर के कुछ थ्योरीज बनाइए कि किस आधार पे कौन कौन से पनिशमेंट दिए जाते हैं, तो वो सारी थ्योरीज किन मुद्दों पर, मतलब कहने का कि हमारा जो थ्योरीज है, पनिशमेंट है हमारा, वो कैसा होना चाहिए, दंड देने के अनुसार, कि हमारा जो पनिशमेंट है वो, इसका उद्देश्य ये होना चाहिए कि चलो दंड दिया जाए पर्टिकुलर व्यक्ति को, इसने काम किया, या फिर बदला लेने के उद्देश्य से हमें पनिशमेंट देना चाहिए, या फिर सुधार करने के तरीके से मतलब देना चाहिए, या फिर रिस्टोर, वो अपने सही मार्ग पर बंदा आ सके इसके लिए उसे पनिशमेंट देना चाहिए। इस मतलब पनिशमेंट पर, इन सारे मुद्दों पर जो थ्योरीज हैं आर लेस रिलेवेंट, वो ना के बराबर महत्व रखती हैं किसके लिए, पब्लिक इमेजिनेशन जनता के लिए, एंड द लॉ इन्फोर्सर जो कानून लागू करते हैं उनके लिए, ठीक है। इन थ्योरीज का, इन दोनों के लिए कोई विशेष महत्व नहीं है। व्हेन, जब द क्राइम इज ग्रेव, कब नहीं है महत्व, व्हेन द क्राइम, जब अपराध इज ग्रेव, बहुत ही गंभीर हो, एंड हीनस, और बहुत ही क्रूअल हो, क्रूर हो, ठीक है। जब अपराध बहुत ही ज़्यादा गंभीर और क्रूर हो जाता है, तो लॉ इन्फोर्सर और साथ में पब्लिक इमेजिनेशन, इन दोनों के लिए पनिशमेंट की जो थ्योरीज है कि दंडात्मक होना चाहिए, रिट्रीब्यूटिव, रिफॉर्मेटिव, रिस्टोरेटिव टाइप का होना चाहिए, इसका कोई बहुत महत्व नहीं समझ में आता है जब क्रूर केसेस आते हैं तब। देयर इज ए कन्फ्लिक्ट बिटवीन दोज, कन्फ्लिक्ट माने एक विवाद है, झड़प है, बिटवीन दोज, उन लोगों के बीच में, हु सेंस द डेंजर, जो खतरे को भांप लेते हैं, आंक लेते हैं पहले से ही, ऑफ इनकंसिस्टेंट एप्लीकेशन, इरेगुलर, इनकंसिस्टेंट मतलब इरेगुलर एप्लीकेशन माने होता है अनुप्रयोग, रुक रुक करके किसी चीज़ को प्रयोग किया जा रहा है, इसके खतरे को जो आंक लेते हैं वो लोग हो गए, एंड और कौन से लोग हैं, एंड दोज, और वो लोग
हु बिलीव, जो मानते हैं, इन कंडेन जस्टिस, कंडेन माने होता है उचित, अपराध के अकॉर्डिंग, अप्रोप्रिएट टू क्राइम, क्राइम के अकॉर्डिंग जस्टिस माने न्याय पर, ठीक है, जो इस बात पर विश्वास करते हैं कि न्याय जो है हमारा अपराध के अनुसार मिलना चाहिए, नेचर ऑफ क्राइम पर डिपेंड करना चाहिए। एक तो ये लोग हो गए, और दूसरे वो जो कि बीच बीच में रुक रुक करके किसी पर्टिकुलर चीज़ का, जैसे कैपिटल पनिशमेंट तो कभी दिया जाता है कभी नहीं दिया जाता, तो इनकंसिस्टेंट एप्लीकेशन को लेकर के खतरे को भांप ले रहे हैं ये लोग, है ना, इन दोनों के बीच में कन्फ्लिक्ट है, ठीक है। हकीकत में है ही कि इरेगुलर जो है इनकंसिस्टेंट एप्लीकेशन हो रहा है, तो कुरियन जोसेफ जी का यही तो कहना है कि भाई ये क्या है, आर्बिट्रेरीनेस दिखाई देती है इसमें, है ना। और बाकी जो दूसरे पक्ष वाले हैं वो कहते हैं क्या, कंडिम जस्टिस की मतलब कहने का उचित न्याय होना चाहिए, तो उस हिसाब से मतलब कैपिटल पनिशमेंट की कभी जरूरत पड़ भी सकती है ना, दोनों ही केसेस, तो इन्हीं के बीच में जो है झड़प चल रही है। इस कंफ्लिक्ट कैन बी रिजॉल्व, ये जो लड़ाई है, ये जो झड़प है, कैन बी रिजॉल्व, इसको हल किया जा सकता है, ओनली इफ, केवल तभी जब द डिबेट इज टेकन, मतलब कहने का जो परिचर्चा है, ये चर्चा है, डिबेट बहस है, इज टेकन, इसको लिया जाता है टू अ हायर प्लेन, एक उच्च समतल पे, एक उच्च स्तर पर जब ये चर्चा ले जाई जाए तभी इसको हल किया जा सकता है, इस विवाद को। ए मोरल पोजिशन, एक ऐसी नैतिक स्थिति, दैट, कैसी नैतिक स्थिति, दैट देयर शैल बी नो डेथ पेनाल्टी, कि कोई भी मतलब मृत्युदंड नहीं होगा इन लॉ कानून में, रिगार्डलेस ऑफ, बिना ध्यान दिए, ऑफ द नेचर, प्रकृति का, सरकमस्टेंसेस, परिस्थितियों का, एंड कंसिक्वेंसेज ऑफ एन ऑफेंस, और अपराध की परिणामों को, अपराध के परिणाम क्या होंगे, उसकी परिस्थिति कैसी है, और उसका उसकी प्रकृति कैसी है अपराध की, इस पर बिना ध्यान दिए, सिर्फ नैतिकता को, नैतिकता की स्थिति में सिर्फ ये मान लेना कि कोई भी कानून में डेथ पेनाल्टी नहीं होगी, जब इस मुद्दे पर, इस मुद्दे को हायर लेवल पे ले जाया जाएगा और इस पर बहस की जाएगी, डिबेट की जाएगी, तभी इस कॉन्फ्लिक्ट को समाप्त किया सकता है, ठीक है। द सुप्रीम कोर्ट हैज़ कवर्ड कंसिडरेबल ग्राउंड इन लिमिटिंग द स्कोप, सुप्रीम कोर्ट ने कवर किया है कंसिडरेबल ग्राउंड, काफ़ी बड़ी मात्रा में ग्राउंड माने स्तर को, इन लिमिटिंग द स्कोप, मतलब स्कोप को कम करने की, संभावनाओं को सीमित करने के, काफ़ी बड़े पैमाने पर सुप्रीम कोर्ट ने कवर किया है, अपना हस्तक्षेप किया है, कैसा, टू द रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस, मतलब दुर्लभतम मामलों में, मतलब कहने का बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस में कैपिटल पनिशमेंट की बात की है, नहीं तो बाकी जगह जो है सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी चीज़ों को जो है अपने दायरे में लेकर के आया है वो, ठीक है ना। मतलब कहने का सिंपल ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे मामले, बहुत सारे स्कोप्स जो हैं उनको मतलब कहने का रोक दिया है कि कैपिटल पनिशमेंट की आवश्यकता ना पड़े, लेकिन रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस भी हैं जिन पर उन्होंने मतलब कैपिटल पनिशमेंट को अप्लाई करने की बात करी, ठीक है। तो ये यहाँ पे कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने कवर किया है ज़्यादातर मामले को इन लिमिटिंग द स्कोप, कि ऐसी संभावनाओं को कम किया जा सके, ठीक है, टू द रेयरेस्ट ऑफ द रेयर, और साथ में रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेज भी जो हैं उनको भी इंक्लूड किया है। पोस्ट अपील रिव्यूज़, अपील के बाद की जो समीक्षा है, एंड क्यूरेटिव पिटीशन, और सुधार के निवारण के उपाय से, जो निवारण के उद्देश्य से जो याचिका दायर की गई है, आर रूटीनली, वो लगातार एडमिटेड, स्वीकार की जा रही है। मतलब पहली बार अपील के बाद की समीक्षा करना, एक बार अपील की उसके बाद फिर पुनर्समीक्षा की बात करना, ये, और निवारण के उद्देश्य से जो याचिकाएँ डाली जा रही हैं इनको लगातार स्वीकार किया जा रहा है। रिव्यू पिटीशंस, जो पुनर्समीक्षा वाली याचिकाएं, आर नाउ हियर्ड, अब उनकी सुनवाई की जा रही है इन ओपन कोर्ट, खुले कोर्ट में, ठीक है ना। आगे पढ़ते हैं, द ट्रीटमेंट ऑफ डेथ रो प्रिजनर, मृत्यु की कतार में खड़े हुए जो कैदी हैं उनके साथ जो बर्ताव है, ट्रीटमेंट है, हैज़ बीन ह्यूमेनाइज्ड, उसको मानवीकृत किया गया है। ऐसा नहीं कि मृत्यु की कतार में खड़े हैं तो उनके साथ अनह्यूमन बिहेवियर किया जाए, मतलब कहने का अमानवीकृत, जानवर जैसा सलूक किया जाए, ऐसा नहीं है। तो मृत्यु की कतार में भी जो खड़े हुए कैदी हैं उनके साथ भी जो ट्रीटमेंट है, हैज़ बीन ह्यूमेनाइज्ड, उसे मानवीकृत, संवेदनशील कर दिया गया है, ठीक है। एंड और देयर इज स्कोप, और संभावनाएं हैं फॉर जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक समीक्षा की, इवन अगेंस्ट ए सॉवरिन डिसीजन, एक सॉवरिन होता है किसी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रतीकात्मक निर्णय, मतलब कहने का बहुत बड़े डिसीजन के बाद के खिलाफ भी न्यायिक समीक्षा करने की संभावनाएं हैं यहाँ पर। कैसा डिसीजन, डिनाइंग क्लीमेंसी, जो कि मना करता है, क्लीमेंसी माने होता है दया, ठीक है। ऐसा निर्णय, ऐसा प्रतीकात्मक, ऐसा बहुत बड़ा निर्णय आ जाए जिसके बाद किसी प्रकार की दया याचिका की सुनवाई ना हो, ठीक है। तो वो डिसीजन जो कि क्लीमेंसी को का डिनाई करता है, खंडन करता है, उसके खिलाफ भी जुडिशियल रिव्यू की मतलब न्यायिक समीक्षा के संभावनाएं हैं, ठीक है। इफ देयर स्टिल प्रिवेल्स अ परसेप्शन ऑफ आर्बिट्रेरी,
लोनलीनेस। लेकिन यदि स्टिल मैंने अभी भी प्रिवेल माने व्याप्त है आ परसेप्शन, एक सोच, एक समझ ऑफ आर्बिट्रेनेस माने मनमाने ढंग की, इन अ वे डेथ सेंटेंस आर अवॉर्डेड, उस तरीके में जिस हिसाब से मृत्युदंड दिया जाता है, अगर इन सभी चीज़ों के बाद भाई आप सोचिए कि आपको क्लेमेंसी तक नहीं दी जा रही, उसके बाद अगर आपके लिए जुडिशल रिव्यू के स्कोप खुल रहे हैं और डेथ की रो में जो प्रिजनर्स खड़े हैं उनके साथ ट्रीटमेंट ह्यूमेनाइज तरीके से हो रहा है, सोचिए, ठीक है। अब कुछ तो उन्होंने गलत किया होगा तभी तो उनका मतलब डेथ सेंटेंस डेथ रो में उन्हें खड़ा किया गया, तो मतलब कहने का उनके साथ ह्यूमेनाइज बिहेवियर होना, जुडिशियल रिव्यू के स्कोप होना, जबकि आपका डिसीजन आ चुका है और कोई जो ऐसा डिसीजन जो कि निश्चित रूप से किसी भी प्रकार की दया याचिका को खारिज करता है, ठीक है, उसके बाद जुडिशियल रिव्यू होना, ये सारे स्कोप क्या हैं। इसके बाद भी यदि किसी भी प्रकार के मनमाने ढंग से जिस प्रकार से मृत्युदंड दिया जाता है उसमें किसी प्रकार की मनमानी के अगर सोच या समझ प्रिवेल्स व्याप्त है, किसी प्रकार की संभावना दिखाई देती है मनमाने ढंग की, तो द ओनली लास्टिंग सॉल्यूशन, जो अंतिम निर्णय होगा, इज देयर अबोलिशन, वो समाप्ति होगी, ठीक है। द व्यूज ऑफ द लॉ कमीशन, जो दृष्टिकोण है, जो विचार है कानून आयोग के एंड जस्टिस जोसेफ के, शुड नॉट बी इग्नोर्ड, उनको नज़रअंदाज नहीं किया सकता। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने ये समझा, मतलब कहने का अब, या फिर ये जो एडिटोरियल लिखने वाले हैं उनका पर्सनल व्यू हो, मतलब कहने का उन्होंने ये है कि रो प्रिजनर्स जो है उनके साथ ट्रीटमेंट को ह्यूमेनाइज कर दिया गया, जुडिशियल रिव्यू के स्कोप्स खोल दिए गए। अब इसके बाद भी अगर हमें ये लगता है कि मनमाने ढंग से मतलब डेथ सेंटेंस दिया जा रहा है, अवॉर्ड किया जा रहा है, तो निश्चित रूप से एक अंतिम समाधान यही होगा कि इसको लॉ को जो डेथ पेनल्टी इसको ख़त्म ही कर दो, एबॉलिश कर दो, ठीक है। क्योंकि लॉ कमीशन की जो रिपोर्ट्स आई वो, और जस्टिस जोसेफ का जो विचार है पर्टिकुलर कि आर्बिट्रेनेस बढ़ रही है इस मुद्दे को क्योंकि जज सेंट्रिक डिसीजंस आ रहे हैं, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं शुड नॉट बी इग्नोर्ड, इसको नज़रअंदाज नहीं किया सकता, ठीक है। तो कहीं ना कहीं डेथ सेंटेंस जो है, या कैपिटल पनिशमेंट आप कह सकते हो, डेथ पेनल्टी कह सकते हो, ये सारी चीज़ें जो हैं धीरे ही लगभग ख़त्म होने के ही मूड में है। आर्बिट्रेनर्स को अगर रिमूव कर पाते हैं तो ठीक है, अदरवाइज इनको एबॉलिश करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये था आज का एडिटोरियल। अब हम पढ़ते हैं कुछ वर्ड्स जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। कैपिटल पनिशमेंट मतलब होता है मृत्युदंड, ठीक है, डेथ पेनाल्टी कह सकते हो, डेथ सेंटेंस कह सकते हो आप, ठीक है, जैसा आप यूज़ करना चाहो। इंपॉर्टेंट चीज़ जो थी, अवॉर्ड वर्ब यूज़ करोगे आप, ठीक है, अवॉर्ड वर्ब ऑप्शन में है तो आप उसको चूज़ करोगे। यहाँ पर ले डाउन समथिंग का मतलब होता है टू स्टेट समथिंग ऑफिशियली दैट पीपल मस्ट ओबे, कोई ऐसी चीज़ आधिकारिक रूप से कहना जिसका लोग पालन करने, जिसका हर हाल में उन्हें पालन करना हो, तो ले डाउन ऑन समथिंग होता है ना, जैसे पर्टिकुलर चीज़ में वर्णित, तो ले डाउन ऑन समथिंग इस तरह करके आप यूज़ कर सकते हो। जैसे यू कांट ले डाउन हार्ड एंड फास्ट रूल, हार्ड एंड फास्ट रूल दैट कांट बी चेंज इन एनी सर्कमस्टेंसेज, जो किसी भी स्थिति में ना बदले, उन्हें कहते हैं हार्ड एंड फास्ट रूल्स, ठीक है ना। तो ये एक idiom टाइप होता है जिसका एक मीनिंग क्या होता है, That can't be changed in any circumstances. तो example में मतलब क्या है कि आप किसी प्रकार से ऐसे मतलब कहने का अटल नियम नहीं बना सकते हो। Arbitrary manner क्या होता है, मनमाना ढंग, ठीक है, अपने ढंग से जो भी आप करना चाहो वो करो, इसे कहते हैं arbitrary manner, ठीक है। Freakishly, freak verb जो है, ये freak word आप एग्जाम में आपके आ चुका है, इसलिए से मौज मस्ती तरीके से मनमाने ढंग से कुछ भी करना, strangely behavior करना, उसे कहते हैं freak, ठीक है। तो freakishly मतलब होता है in a way that is very strong, unusual and unexpected, असाधारण हो और साथ में आप भी जिसकी उम्मीद भी ना की गई हो, इस तरह का जो रवैया हो, इस तरीके से कोई काम करना, तो उसको कहते हैं फ्रीकिशली, ठीक है। फैटेलिटीज़ होता है डेथ्स, मृत्यु, ठीक है। आउटरेज का मतलब क्या होता है, अ स्ट्रांग फीलिंग ऑफ शॉक एंड एंगर, मतलब शॉक और एंगर, नाराजगी की एक बहुत ही तेज भावना, उसे कहते हैं आउटरेज, आक्रोश कह सकते हो आप, ठीक है। एग्जाम्पल देखेंगे, द जजेज रिमार्क्स कास्ट पब्लिक आउटरेज, जो जज की टिप्पणी थी उसने उत्पन्न कर दिया पब्लिक आउटरेज, जनता के बीच में आक्रोश, ठीक है। डिटरेंस का मतलब होता है निवारण, द फैक्ट ऑफ मेकिंग समबडी लेस लाइकली टू डू समथिंग, कोई नुकसान करने के सेंस में आता है, जैसे कोई चीज़ है, कोई व्यक्ति नुकसान करने जा रहा है, तो कुछ उसको थोड़ा सा नरम करने की मतलब तरीका, वो होता है डिटरेंस, माने रोकथाम कह सकते हो या निवारण कह सकते हो इसे, ठीक है। एग्जाम्पल देखेंगे, हिज व्यू इन दैट प्रिजन सेंटेंस, मतलब कहने का, मस्ट बी लॉन्ग इनफ टू बी सेटिस्फाइड द रिक्वायरमेंट्स बोथ ऑफ रिट्रीब्यूशन एंड डिटरेंस, उसके जो विचार थे, उसका जो विचार, हिज व्यू इज दैट, मतलब उसका विचार ये है
कि प्रिजन सेंटेंस जो जेल की सजा है मस्ट बी लॉन्ग इनफ, उसे वो पर्याप्त रूप से मतलब लंबी होनी चाहिए टू सेटिस्फाई, ताकि संतुष्टि मिल सके द रिक्वायरमेंट्स उन सभी आवश्यकताओं से, बोथ ऑफ दोनों ही चीज़ों की, क्या रिट्रीब्यूशन माने बदले की एंड डिटरेंस माने होता है निवारण की, जो भी जेल की सजाएं हैं उन्हें लंबा होना चाहिए, क्यों, क्योंकि इससे सेटिस्फैक्शन मिल जाएगा दो चीज़ों का, कौन कौन सी दो चीज़ों की, रिक्वायरमेंट्स का सेटिस्फैक्शन मिलेगा, पहली चीज़ ये कि बदला भी पूरा हो जाएगा, जो उसने गलत काम किया उसकी उसे सज़ा मिली, और दूसरा निवारण भी हो जाएगा, क्योंकि वो जितना लंबे समय तक जेल में रहेगा इससे क्या होगा कि इस तरह के क्राइम्स मतलब उसके द्वारा पर्टिकुलर और नहीं ऑर्गेनाइज किए जा सकेंगे, ठीक है, ये कहने का मतलब। बीफिटिंग वर्ड के बारे में मैं आपको बताऊंगा, इसमें मैं दो तीन एग्जाम्पल मतलब दो एग्जाम्पल मैंने और डाले हैं। बीफिटिंग मतलब कहता है सुटेबल एंड गुड इनफ फॉर समबडी, किस चीज़ के लिए उचित है ना, गुड इनफ पर्याप्त मात्रा में उचित, उसे कहते हैं बीफिटिंग। इसके एग्जाम्पल्स आप देखेंगे आगे। जब बीफिटिंग रिप्लाई होता है, मुंह तोड़ जवाब देना, मतलब कहने का मतलब उसके जवाब के अनुसार, उसके कहे गए वक्तव्यों के अनुसार कुछ ऐसा कहना जो कि उसका उसका सटीक आंसर हो, सुटेबल हो, उसे कहते हैं बीफिटिंग रिप्लाई, यानी मुंह तोड़ जवाब, ठीक है। तो अगर कभी आपको ट्रांसलेशन करना हो तो आप क्या बीफिटिंग रिप्लाई याद कर लेंगे। अब यहाँ पर बीफिटिंग पनिशमेंट आया तो इसका मतलब होता है उचित सजा, ठीक है, मतलब उचित पनिशमेंट, सुटेबल पनिशमेंट, तो उसे कहते हैं बीफिटिंग पनिशमेंट। तो ये अलग अलग यूज़ होता है, यहाँ पे मुंह तोड़ करके आया तो क्योंकि होता ही यही है, उचित जवाब देना मतलब मुंह तोड़ जवाब देना, यही तो होता है ना, जैसे हम लोग अपनी लैंग्वेज में कहते हैं, तो ये क्या थोड़ा फैमिलियर हो जाता है, तो इसलिए इस तरह याद करोगे तो याद भी रहेगा काफ़ी दिनों तक। सब्सटेंशियल का मतलब होता है लार्ज इन अमाउंट कंसिडरेबल, कोई चीज़ कंसिडरेबल है मतलब लार्ज है अमाउंट में, जब भी कंसिडरेबल आता है तो मैं कहता हूँ ना काफ़ी बड़ी मात्रा में, क्यों पढ़ते हैं काफ़ी बड़ी मात्रा में, या सब्सटेंशियल आता है तब भी हम पढ़ते हैं काफ़ी बड़ी मात्रा में, क्योंकि लार्ज इन अमाउंट वो संख्या में अमाउंट में ज़्यादा होती है, तो सब्सटेंशियल और कंसिडरेबल आए तो आप बड़ी मात्रा में पढ़ेंगे इसे, ठीक है ना, तब आपको वहाँ पे करेक्ट मीनिंग देगा ये। डोमिनेट समथिंग का मतलब होता है टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड नोटिसिबल फीचर ऑफ समथिंग, इफ समथिंग डोमिनेट्स, अगर कोई चीज़ डोमिनेट कर रही है मतलब वो सभी चीज़ों में ज़्यादा प्रभाव ज्यादा आराम से दिखने वाली है, ठीक है। आर्सेनल डोमिनेटेड द फर्स्ट हाफ ऑफ द मैच, जो आर्सेनल था उसने मतलब अच्छा परफॉर्मेंस किया द फर्स्ट हाफ ऑफ द मैच, मैच के पहले आधे चरण में, पहले आधे चरण में सिर्फ आर्सेनल ही आर्सेनल दिखाई दे रहा था, ठीक है। प्यूनिटिव माने होता है दंडात्मक, इंटेंडेड एज पनिशमेंट, जो दंड के अनुसार उद्देश्य दी गया हो तो उसे कहते हैं प्यूनिटिव, ठीक है ना। जैसे प्यूनिटिव एक्शन विल बी टेकन अगेंस्ट द हुलीगन्स, हुलीगन होते हैं गुंडागर्दी करने वाले, गुंडे, ठीक है, मवाली टाइप के, तो गुंडों के खिलाफ प्यूनिटिव एक्शन, दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी, मतलब दंडात्मक का मतलब ये होता है जो दंड देने के उद्देश्य ही काम किया जाए। कई बार हम जैसे बच्चों को पनिशमेंट करते हैं तो वो हमारे प्यूनिटिव एक्शंस नहीं होते, वो हमारे होते हैं रिफॉर्मेटिव एक्शंस, या फिर आप कह सकते हो मतलब रिस्टोरेटिव एक्शंस, कि वो फिर से सुधर जाए बच्चा, उसको दंड देने के अनुसार से हम इसलिए पनिशमेंट नहीं देते, हम उसे पनिशमेंट देते हैं कि अगली बार ऐसी गलती ना करे, सुधर जाए। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कुछ ऐसे एक्शंस होते हैं जिसका हमारा उद्देश्य होता है कि उसको दंड मिले, तो उन्हें कहते हैं प्यूनिटिव एक्शंस। हीनस होता है क्रूर, मोरली वेरी बैड, नैतिक रूप से बहुत ही बुरा, इसे कहते हैं हीनस, हीनस क्राइम बहुत फेमस वर्ड है, ठीक है। कंडिंग होता है अप्रोप्रिएट टू द क्राइम, मतलब अपराध के अनुसार, जैसे अभी आया था ना कंडिन जस्टिस, मतलब अपराध के अनुसार मतलब कहने का उसका न्याय मिले, ठीक है, तो कंडिन जस्टिस आया था, वैसे ही आप इसे यूज़ कर सकते हो। एडजेक्टिव्स लिखे हैं, जो वर्ब है उसमें वी लिखा है, ठीक है, बी फिटिंग एडजेक्टिव की तरह यूज़ हुआ है यहाँ पर, मुँह तो रिप्लाई नाउन की तरह यहाँ यूज़ हुआ है, इस तरह करके ये छोटे छोटे यूजेस हैं जिसमें आपको देखना पड़ता है पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन सा कहाँ यूज़ हो रहा है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि एक ही वर्ब एक ही चीज़ को क्लोज टेस्ट वगैरह में जब फिल करने को आता है तो ये जैसे एक ही है तो अब उसकी क्या है नाउन भी फॉर्म में दे देगा, उसे एडजेक्टिव के फॉर्म में भी दे देगा, उसे एडवर्ब के फॉर्म में भी दे देगा, अब आपको करेक्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच चुनना है वहाँ पर कि कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच हमें किस फॉर्म का वहाँ पर लेना है, ठीक है, हमें एडवर्ब के फॉर्म में लेना है कि वर्ब के फॉर्म में लेना है, तो पोजिशंस डिसाइड करनी पड़ती हैं और उसके अकॉर्डिंग आप करेक्ट ऑप्शन चूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो ये थे कुछ वर्ड्स आज के, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए एडिटोरियल के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।